वेलकम टू फॉर्मुलेटर बेटा। आप लोगों का जो प्रीवियस जो टॉपिक था लोड फ्लो एनालिसिस, वो आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जीएस मेथड एनआर मेथड दोनों में आप लोगों को बता चुका था। अब आज आप लोगों का अगला मॉड्यूल है, अगला आपका शुरू होने जा रहा है। आपके तीन कंप्लीट हो चुके हैं, ये चौथा मॉड्यूल है आपका, जो अब आपका मॉड्यूल नंबर थ्री है वो है ये। देखो सबके पहले पढ़ा था हम लोगों ने आपका मॉड्यूल नंबर फिफ्थ, फिर पढ़ा था वन, फिर पढ़ा है टू, अब ये आपका थ्री है, ठीक है। तो ये अगला वाला है, मतलब इसमें आप लोगों को ये समझ में आएगा कि एक लोड चेंज होने से आपका वोल्टेज कैसे चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी में कैसे चेंज होता है, सही है, और आपका जो सिस्टम होता है मतलब फ्रीक्वेंसी में कैसे वेरिएशन होता है, उसकी स्पीड में कैसे वेरिएशन होता है। तो इन सब चीज़ों को कि किस हिसाब से आपका फ्रीक्वेंसी, स्पीड, वोल्टेज, ये सब जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से वेरी करती है, तो ये सब चीज़ें आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को समझने से पहले पहले हम लोग ये बाद में पढ़ेंगे कि वो लोड शेयर कैसे करते हैं, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। क्योंकि क्या होगा भाई, जैसे लोड शेयरिंग, मैं बात करूँ शेयर करना, यार एक अकेला इंसान है, उसके ऊपर कोई लोड लगा हुआ है तो क्या करेगा, जितना लोड लगा हुआ है पूरा का पूरा उसको सेटिस्फाई करवाएगा, सही बात है। लेकिन क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, आपका टॉपिक क्या आने वाला है उसको समझ लो। ऐसा होता है कि मान लो एक जनरेटर है, ठीक है, अब इसकी रेटिंग है मान लो 200 MVA, ठीक है, और एक और जनरेटर है यहाँ पे, मान लो इसकी रेटिंग भी आपकी कितनी है 200 MVA। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, एक लोड लगा दिया। अब आपका जो लोड है ना वो मान लो उसको चाहिए 350 MVA, सही बात है, या मान लो उसको चाहिए 250 MVA, मान लो 300 MVA। तो क्या होगा, अगर अकेले जनरेटर से कनेक्ट करोगे तो अकेले जनरेटर की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि पूरे के पूरे लोड को सेटिस्फाई करा सके। भाई जैसे आपका पटना शहर है बहुत बड़ा है, तो ये नहीं है कि पूरे के पूरे पटना शहर को आपका एक ही जनरेटर पूरी पावर को सप्लाई कर सकता है। क्या होता है, कोई भी जो जनरेटिंग स्टेशन होता है उस पर आपका सिर्फ एक जनरेटर नहीं होता, कम से कम 4-5 जनरेटर होते हैं, क्योंकि वो बहुत जगह पावर को सप्लाई करते हैं, तो उनकी जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा हाई होनी चाहिए। तो क्या होगा, मान लो ये लार्ज अमाउंट ऑफ लोड लगा हुआ है तो इस अकेले से पार नहीं पड़ेगी, आपको क्या करने पड़ेंगे, इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसकी कैपेबिलिटी होगी 200, इसकी कैपेबिलिटी होगी 200, दोनों मिलके बना लेंगे 400, तो अब ये 350 के लोड को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं, सही बात है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि जब दो जनरेटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जब इनको पैरेलली कनेक्टेड किया जाता है, तो उसमें पैरेलली कनेक्ट करने में क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या क्या कंडीशन को वो सेटिस्फाई कराने चाहिए ताकि वो आपके पैरेलल ऑपरेशन को कर सके। उसके बाद में जब हम पैरेलल ऑपरेशन करना सीख जाएंगे कि पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके मैं उनको पैरेलल में कनेक्ट कर सकता हूँ। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि जब पैरेलल में कनेक्शन करते हैं उसके बाद में जब लोड लगाते हैं तो वो किस तरीके से लोड को शेयर करते हैं, किस तरीके से उनकी जो वैल्यूज होती है वो वैल्यूज आपकी क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। किस तरीके से आपका वोल्टेज चेंज होता है, किस तरीके से फ्रिक्वेंसी का बिहेवियर होता है, किस तरीके से पावर का बिहेवियर होता है, तो ये सब जो चीजें हैं वो एक 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 करके हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि जब दो जनरेटर पैरेलल में लगे हुए होते हैं तो उनका जो बिहेवियर होना चाहिए वो किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो मैं कुछ कंडीशंस आप लोगों को बता देता हूं, मैं इसको हटा देता हूं, समझिए, आप लोग खुद समझना और समझते हुए मुझे बताते हुए चलना, तो दोनों चीजों को आप लोगों को अच्छे से समझ पाओगे। देखो क्या होता है, जैसे मैंने बोला, ओके मैं इधर समझा देता हूँ उधर लिख दूंगा, ठीक है, ओके वन सेकेंड, ठीक है। देखो क्या होता है, जैसे दो जनरेटर है भाई, मैंने बोला ये मेरा जनरेटर वन है। जनरेटर में क्या होता है सर, उसका खुद का रिएक्टेंस होता है वाइंडिंग का, और इस तरीके से वो EMF इंड्यूस करता है, मतलब ये एक जनरेटर का रिप्रेजेंटेशन होता है। मैंने समझाया भी था आप लोगों को, अगर हम लोगों ने लोड फ्लो जब आप लोगों को फॉल्ट एनालिसिस से पढ़ा था तो जनरेटर का रिप्रेजेंटेशन देखा था हम लोगों ने इस तरीके से। मान लो इसका इंड्यूस EMF है E1, पहला जनरेटर है E1 बोल देता हूँ, और इसका रिएक्टेंस है मान लो J of X1, ठीक है। अब इसको आपने कनेक्ट कर दिया एक और जनरेटर से, तो जो दूसरा जनरेटर होगा उसका रिप्रेजेंटेशन भी ऐसा ही होगा इस तरीके से, और ये जाके लगा हुआ है इस तरीके से। मान लो इसका इंड्यूस EMF है आपका E2 और इसका रिएक्टेंस है आपका J of X2, ये दोनों मिलके क्या कनेक्टेड है, किसी ना किसी लोड से लगे हुए हैं, ये आपका लोड हो गया। तो ये इस तरीके से एक लोड से जाके क्या है, कनेक्टेड है इस तरीके से, ये मेरा लोड है, सही बात है। तो मान लो यहां पे लोड के अक्रॉस आपके घर पे जो आपको वोल्टेज मिल रहा होगा VOL, ये आपको वोल्टेज मिल रहा है। इस तरीके से दो जनरेटर ऑपरेशन में लगे हुए, होगा क्या होगा, ये कि यहां से मान लो लोड को कुछ करंट की रिक्वायरमेंट है I of L, तो क्या होगा,
कुछ पावर को ये पहले वाला जनरेटर भेजेगा, कुछ पावर को ये दूसरा वाला जनरेटर भेजेगा। तो मान लो यहां से करंट जा रही है आपकी I1 और यहां से करंट जा रही है आपकी I2, और ये पूरी की पूरी करंट कहां जानी चाहिए? लोड के पास जानी चाहिए। सही बात है नहीं है? तो कंडीशंस आप लोगों को मैं डायरेक्टली बोलूंगा नहीं, हर चीज को प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा कि किस तरीके से कौन सी बात में क्यों बोल रहा हूं। ओके, तो हर एक चीज का विद प्रूफ। ओके, देखो क्या होगा, सर ये मेरा लोड लगा हुआ है, यहां से ये पावर को भेज रहा है और ये मेरी जाने वाली करंट है। सर एक्चुअल में होगा क्या? होना ये चाहिए, ये आइडियल कंडीशन है, होना ये चाहिए कि सर यहां से जितनी करंट जाए वो पूरी की पूरी करंट यहां से जाए और वो टोटल करंट कहां जानी चाहिए? लोड के पास जानी चाहिए। मतलब मैं ये चाहता हूं, ऐसा सर्किट में चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं? तो मैं ये चाहता हूं कि सर मेरा आई ऑफ एल जो होना चाहिए ना, वो सर मेरा I1 प्लस I2 के बराबर होना चाहिए। मतलब ये दोनों जाए और आई ऑफ एल के पास में पहुंच जाए। ठीक है, ऐसा कब हो सकता है? तो सोचो, अगर आप इसमें केवीएल इक्वेशन लगा के देखोगे तो ये तीनों लगे हुए हैं पैरेलल में। सही है, मतलब यहां से यहां तक का वोल्टेज देखोगे तो वो वीएल के बराबर होगा, ये वोल्टेज भी पूरा वीएल के बराबर होगा और इसके अक्रॉस तो वोल्टेज वीएल है ही। सही सही है। तो होगा क्या सर, अगर इसके ऊपर में इस सर्किट में देखूं कि इसका बिहेवियर कैसा होगा जनरेटर जीवन के लिए, अगर मैं चेकआउट करूं तो कैसा होगा? तो सोच, यहां से ये ईवन है, इसमें से करंट जा रही है I1, तो इसमें से ये वोल्टेज ड्रॉप हुआ और ये यहां पे वोल्टेज किसके बराबर होना चाहिए? वीएल के बराबर होना चाहिए। तो कैसे होगी केवीएल? पहले जनरेटर जीवन के लिए देख क्या लिखेगा। सर इसको मैं लिखूंगा कि ईवन माइनस, सर ये करंट गई मेरी I1 और ये हो गया सर मेरा जे ऑफ X1 और ये बराबर होना चाहिए सर किसके? वीएल के। तो ये तो जनरेटर वन के लिए हो गया, ये टर्मिनल वोल्टेज में पहुंच गया, आप वीएल के बराबर होना चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं इस सेकंड वाले जनरेटर के लिए लिखूं तो क्या लिखूंगा सर? सर ये होगा मेरा E2, इसकी वजह से करंट जा रही है I2, ये हो गया सर मेरा J of X2 और ये भी बराबर होना चाहिए सर VL के। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ओके, तो सर ये होगी मेरी कंडीशन नंबर 1 और ये होगी मेरी कंडीशन नंबर 2, दो इक्वेशन है। तो अगर सर ये दोनों से मैंने देखा सर ये भी VL के बराबर होनी चाहिए, ये भी VL के बराबर होनी चाहिए, मतलब मुझे क्या समझ में आया कि सर मेरा 1:2 है या नहीं है? दोनों बराबर है क्योंकि दोनों की वैल्यू VL के बराबर है। तो इन दोनों को अगर मैं बराबर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? तो सर मैं लिखूंगा कि E1 माइनस, देखो ये कितना है, तो ये है सर आपका I1 J ऑफ X1, क्लियर है, इक्वल्स टू, या एक काम करो, अगर आप इंपीडेंस रिएक्टेंस दोनों लोग तो इसको Z1 Z2 लिख दो आप, क्लियर, ओवरऑल हो जाएगा। मान लो ये इसका इंपीडेंस है तो इसको आप Z1 लिख दो, इसको आप Z2 लिख दो। ठीक है भाई, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस भी होता है इसका, वैसे रेजिस्टेंस अगर आप JX1 भी लिखोगे तो भी सही है, Z1 Z2 लिखोगे तो भी सही है। ठीक है, तो आपका जो मन हो वो लिखना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट Z1 Z2 में फॉर्मूला मिल जाएगा तो आपको और भी अच्छा लगेगा भाई, कहीं अगर मान लो वो रेजिस्टेंस भी दे दे तो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए ओवरऑल ले लेता हूं मैं। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया, मान लो ये I1 हो गया और ये हो गया मेरा Z1। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा किसके? सर ये बराबर हो गया मेरा E2 माइनस I2 Z2 के बराबर हो गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक है, तो सर ये मेरी कंडीशन होनी चाहिए। सही बात है बेटा, ये तेरी कंडीशन होनी चाहिए। अब देख, एक चीज को जरा प्यार से और ढंग से समझने की कोशिश करना। क्या समझने की कोशिश करना? देखो सर, मान लो सपोज दैट, मान लिया यहां पे वोल्टेज और यहां पे वोल्टेज सेम है। चलो भाई मान लिया कि दोनों जगह वोल्टेज सेम है, ये मेरा E1 है, ये मेरा E2 है। मान लो अगर सर ऐसा हो जाए, क्या हो जाए कि सर मान लो E1 और E2 में आपने केवीएल इक्वेशन लगाई है, एक इधर से जाके इधर, एक इधर से जाके इधर, लेकिन आपने इन दोनों जनरेटर्स के बीच में नहीं देखा है कि सर इन दोनों जनरेटर्स के बीच में क्या हो रहा होगा। हो सकता है कुछ ना कुछ हो रहा हो, क्लियर है। मान लो मैंने बोला कि इन दोनों जनरेटर के बीच में करंट जा रही है आपकी, कुछ करंट जा रही है इधर से इधर, मान लो सपोज दैट कुछ करंट जा रही है इधर से इधर, समझना मैं नहीं चाहता हूं ये हो, लेकिन अगर मान लो हुई तो क्या होगा और ये करंट क्या होती है, तो इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो अगर मान लो मैंने इसमें केवीएल इक्वेशन लगाई कि कुछ करंट है जो इधर से निकली और यहां से इन दोनों जनरेटर के बीच में घूम रही है, मतलब वो लोड के पास में नहीं पहुंच रही है, यहां से घूम रही है, तो इसमें केवीएल लगाऊंगा तो क्या होगा? सर यहां से हुआ मेरा E1 माइनस, सर इधर से करंट गई, कितनी जा रही है दोनों के बीच में? IC, देखो I1 I2 तो VL के पास जा रही है, तो उसका तो मैंने VL के साथ बना दिया, ये इक्वेशन बन गई, लेकिन ये IOC इन दोनों में जा रही है, जा रही है कि नहीं जा रही है? तो किस तरीके से जाएगी? तो सर I1 I2 को भूल जाओ, IC जा रही है दोनों में, तो इसमें KVL लगाओगे तो क्या लगाओगे? सर ये हो गया मेरा E1 माइनस, ये हो गया सर मेरा IC Z1, ये IC Z1, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, वैसे लिख लो IC Z1, ये इधर से जाएगा तो सर माइनस IC Z2, ये ऊपर से नीचे गया तो सर माइनस ऑफ E2 इक्वल टू आएगा मेरा 0 के बराबर। सही बात है,
मतलब सर अगर मैं आई सी निकालू तो ई वन ई टू को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, या आई सी वन आई सी टू को उधर भेज दो। सर अगर मैं आई सी कॉमन लूंगा इन दोनों को उधर भेज दिया तो पॉजिटिव में बन जाएंगे, मतलब ये बन गया जेड वन प्लस जेड टू, और इधर साइड क्या बच जाएगा सर ई वन माइनस ई टू, बचेगा कि नहीं बचेगा बता। सही है, मतलब क्या होगा सर, आई ऑफ सी जो होगा ये बराबर हो जाएगा मेरा ई वन माइनस ई टू डिवाइड बाई ओवर जेड वन प्लस जेड टू के बराबर। सोच तू क्या चाहता था, मैं ये चाहता था सर कि यहां से जितनी भी करंट निकले, यहां से जितनी भी करंट निकले, मतलब ये जितनी भी पावर को डिलीवर करे उतनी भी पावर को डिलीवर करे, वो पूरी की पूरी पावर कहां पहुंचनी चाहिए सर, लोड के पास पहुंचनी चाहिए। सही है, लेकिन ये आई ऑफ सी क्या है, ये वो पावर है जो यहां से आपकी डेवलप हुई लेकिन ये पावर को कंज्यूम कौन कर गया, ई टू कर गया, मतलब ये पावर इन दोनों के बीच में, ये करंट इन दोनों के बीच में ही सर्कुलेट हो रही है, ये यहां से लोड के पास में नहीं पहुंच रही है। तो अगर कोई चीज आपका जनरेटर डेवलप तो कर रहा है लेकिन अगर वो लोड तक नहीं पहुंच पा रहा है तो क्या वो यूजफुल हुआ क्या, नहीं सर, वो मेरे लिए डिसएडवांटेज हो गया। तो मतलब ये जो करंट होती है जो इन दोनों के बीच में ही फ्लो होती रहती है, जो लोड तक नहीं पहुंच पाती है, आउटपुट तक नहीं पहुंच पाती है, तो ये आपके लोगों के सिस्टम में डिसएडवांटेज होता है। आप कभी भी नहीं चाहते हो कि ऐसी कोई करंट का कंपोनेंट हो जो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के बीच में क्या होता रहे, सर्कुलेट होता रहे। सही बात है, नहीं है, इस करंट को क्या बोला जाता है, तो इस करंट का नाम ही जो होता है ना वो सर्कुलेटिंग करंट होता है। क्या होता है इसका नाम, सर्कुलेटिंग करंट, मतलब वो करंट जो आपके दोनों जनरेटर्स के बीच में आपका क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, वो आपके जनरेटर से कहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, लोड तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्या सर ये होना चाहिए क्या, एक पैरेलल ऑपरेशन में ये होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए सर, जो भी पावर डेवलप हो वो कहां पे पहुंचनी चाहिए, लोड के पास पहुंचनी चाहिए, क्योंकि मेरा पर्पज यही है, मैं चाहता यही हूं कि जो भी हो वो लोड के पास पहुंचे। सही बात है, तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि 4A अच्छे से आपका ऑपरेशन हो, एक पैरेलल ऑपरेशन, तो उसके लिए हम ये चाहते हैं कि हमारा E1 IC कैसा हो, जीरो होना चाहिए। IC कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अगर मैं बनाऊं कि अगर मेरा IC जीरो हो तो क्या होना चाहिए कि सर मैं लेता हूं, मान लो केस वन ले लेता हूं, इफ मान लो अगर ऐसा हो कि मेरा E1 बराबर हो जाए किसके, E2 के। अगर मेरा E1 E2 के बराबर हो जाएगा तो सर सबसे अच्छी बात यह है कि मेरा आई ऑफ सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब सर ये एक परफेक्ट कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि अगर मेरा E1 E2 के बराबर हो, मतलब एक पैरेलल ऑपरेशन अगर आप लोगों को करना है तो उसके लिए अगर आप दो जनरेटर को कनेक्ट करोगे तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि उनका जो इंड्यूस EMF होना चाहिए, मतलब E1 और E2 जो होना चाहिए वो दोनों कैसे होने चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। अगर उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो आपकी सर्कुलेटिंग करंट फ्लो नहीं होगी, अगर सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगी तो आपके सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। सही बात है, नहीं है, तो हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी दो जनरेटर को आप पैरेलल में कनेक्ट करो, आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, वो बात ये है कि आपकी सर्कुलेटिंग करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए। आप हमेशा सर्कुलेटिंग करंट की वैल्यू को कितना लेके चलोगे, जीरो लेके चलोगे। तो उसको बनाने के लिए आपको जो करना पड़े वो करो, सही है, लेकिन सर्कुलेटिंग करंट को कितना रखो, जीरो रखो। तो क्या कंडीशन आएगी, कंडीशन नंबर वन कि आपका इंड्यूस EMF जो होने चाहिए वो दोनों के कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्लियर है, नहीं है, अगर ऐसा नहीं हुआ, सपोज दैट अगर ऐसा नहीं हुआ कि E1 और E2 जो है अगर वो आपके बराबर नहीं है तो क्या होगा सर, अगर ये दोनों बराबर नहीं होगा, अगर मान लो केस आपका 2 है कि इफ माय E1 डज नॉट इक्वल टू E2 तो क्या होगा सर, आई ओप सी मेरा डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। मतलब सिस्टम में क्या होगा, सर्कुलेटिंग करंट का फ्लो होगा। क्या मैं चाहता हूं कि सर्कुलेटिंग करंट का फ्लो नहीं हो, तो सर पैरेलल कंडीशन के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या निकल चुकी है, तो ये निकल चुकी है कि अगर आप लोगों ने दो जनरेटर्स को अगर पैरेलली कनेक्ट किया है तो उनके ऊपर होने वाले इंड्यूस जो EMF होना चाहिए, उस इंड्यूस EMF की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सही बात है, नहीं है, यही कंडीशन है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए आगे जाके और भी कंडीशंस में बदल जाएगी, तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। सही बात है, नहीं है, ओके। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट, ओके, देखो इनको हटा दूं मैं, ओके, हाँ देखो, ठीक है, हाँ। दूसरी चीज, एक बात को और समझ सकते हो आप, ठीक है, इसका रिजल्ट ये आप लोगों को मिलेगा, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। अब समझो, इस कैलकुलेशन को हमने यहां पे लाके छोड़ दिया था, सही है, ओके। तो यहां पे क्या लिखोगे आप, समझना, ओके। तो कंडीशन नंबर वन आप लोगों की यह हो चुकी है। पहला जो पॉइंट्स मैं लिखवाऊं इनको हमेशा याद ही रखना, पहली कंडीशन क्या बोल चुकी है, फॉर पैरेलल ऑपरेशन, ओके,
पहली बार लिख रहा हूँ, बाद में दोबारा पैरेलल ऑपरेशन नहीं लिखूंगा क्योंकि पैरेलल ऑपरेशन चल रहा है तो मतलब इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑपरेशन द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द जनरेटर्स जनरेटर्स मस्ट बी सेम। मस्ट कंडीशन है, ये होनी ही होनी चाहिए, ठीक है, नहीं हो वो तो आपको लेना ही नहीं है, मस्ट बी सेम होनी चाहिए, दोनों का ईएमएफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर मैं इस इक्वेशन में इसको अप्लाई करूं, मान लो मैंने बोल दिया कि मेरा इवन मस्ट बी सेम है, मतलब आपका इवन क्या है, E2 के बराबर है। अगर इवन E2 के बराबर हो जाएगा तो फिर माइनस ऑफ आई वन जेड वन इक्वल टू माइनस ऑफ आई टू जेड टू हो जाएगा। मतलब क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा सर कि आई वन जेड वन होना चाहिए ना, वो भी बराबर होना चाहिए किसके, आई टू जेड टू के। अब आई वन जेड वन क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी आपका इवन के जो इंपीडेंस है उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, ये इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। तो क्या हो जाएगा, कंडीशन नंबर टू, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द वाइंडिंग्स अक्रॉस द वाइंडिंग्स मस्ट बी सेम। कैसी होनी चाहिए, दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए वो आपका कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्लियर है, तो आपको दो कंडीशन मिल गई, कंडीशन नंबर वन कंडीशन नंबर टू, इसी का दूसरा रूप है ये वाला, ठीक है। तो ये तो दोनों एक ही बात है। आगे चलो, और सपोज दैट इधर मैं स्पेस निकाल लेता हूं, इसको हटा देता हूं, ठीक है, और समझने की कोशिश करना, देखो ठीक है। हाँ देखो, आपको मैं एक चीज और बता सकता हूं, वैसे आगे चलोगे तो वहां पे आप लोगों को मैं और बातें समझाऊंगा, लेकिन अगर मान लो कभी आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लिया गया, ठीक है, कि मान लो आपके दो जनरेटर लगे हुए हैं, उनके इंपेडेंस वगैरह कुछ इस तरीके से हैं, तो वो लोड को कितनी पावर देंगे, ठीक है। वैसे ये जो टॉपिक है ये मैंने आप लोगों का इस टॉपिक के लिए बेस लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का जो क्वेश्चन आएंगे क्या बोलते हैं पावर शेयरिंग के ऊपर, वो आपके ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर आएंगे, मतलब जो अगला टॉपिक होगा उसके ऊपर आएंगे, ठीक है। लेकिन मान लो पैरेलल ऑपरेशन के बारे में भी आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जब मैंने इतना ही कर दिया है तो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, ठीक है। देख लो भाई, आपका जो लोड होगा एस ऑफ एल लोड के पास, तो ये कितना होगा सर, वी एल इंटू आई एल का कॉन्जुगेट होगा या नहीं होगा। अब वी ऑफ एल तो फिक्स है, जितना वोल्टेज यहां पे मिल रहा है, सही है। आई ऑफ एल क्या होगा सर, आई वन प्लस आई टू, सही है। आई ऑफ एल क्या होगा, आई वन प्लस आई टू। आई वन कितना होगा सर, अगर मैं आई वन की बात करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं सर, आई वन इसमें आने वाली करंट है, टोटल है आपका ये, ये ऐसा समझ लो कि ये दोनों इस तरीके से पैरेलल में लगे हुए हैं, क्योंकि ये दोनों वोल्टेज बराबर है, ये इस तरीके से, तो एक टोटल करंट है, दो करंट में डिवीजन हो रही है, तो करंट डिवीजन रूल लगाओ, तो I1 निकालोगे तो क्या लिखोगे सर, I1 Z1 में जाने वाली करंट है, I2 Z2 में जाने वाली करंट है, तो I1 को क्या लिखूंगा, तो सर मैं I1 को लिखूंगा Z2 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2, बताओ लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, मल्टीप्लाई विद I, सही है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं सर किसकी, I2 की, तो कितनी हो जाएगी सर, I2 की बात करोगे तो Z1 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2 मल्टीप्लाई विद I, बताओ। तो सर S1 कितना होगा, कि पहले वाला पावर कितनी डिलीवर करेगा, तो सर S1 होगा, तो S1 के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज देखो कितना है, कि भाई आउटपुट में कितना दे रहा है बाहर, तो सर टर्मिनल वोल्टेज इसके ऊपर है VL के बराबर, और करंट कितनी जा रही है इससे सर, I1, इसका कॉन्जुगेट, सही बात है, नहीं है। I1 की वैल्यू कितनी है सर, ये रही है, नहीं है, तो क्या लिखेगा, ये आपकी टोटल करंट है, वो I की I ऑफ L ही है, तो अगर इसको लिखेगा तो क्या लिखेगा, तो ये ठीक है, पहले इधर ही देख ले, S1 ये हो गया सर तेरा VL, I1 कितना हुआ सर, ये रहा Z2 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2 मल्टीप्लाई विद योर I ऑफ L, ठीक है, कॉन्जुगेट है इन सबका, ये कॉन्जुगेट है, यहां पे दो दो जगह कॉन्जुगेट आ रहा है, तो एक काम कर, दोनों साइड कॉन्जुगेट ले ले और इसको ऐसा लिख ले कि S1 कॉन्जुगेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका Z2 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2, इधर क्या बनेगा VL IL, VL का कॉन्जुगेट हो जाएगा दोनों तरफ लेगा, तो अगर यहां पे दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लेगा तो SL कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, VL कॉन्जुगेट इंटू IL, सही बात है। तो ये चीजें तो आपको पता ही है, कॉन्जुगेट लेना, तो ठीक है, हाँ, तो मैं इस पर इतना ध्यान नहीं दे रहा हूं। तो आपका S1 कितना हो गया, तो सर S1 का कॉन्जुगेट आपका बराबर आ चुका है Z2 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2 मल्टीप्लाई विद VL IL, किसके बराबर हो गया सर, SL का कॉन्जुगेट, बताओ हो गया नहीं।
मतलब सर आपका लोड अगर इतना लगा हुआ है तो S1 कितनी पावर सप्लाई करेगा, ये डिपेंड करेगा कि सर आपका Z1 और Z2 कैसा है। सही है, अगर आपका Z1 ज्यादा है तो देखो ऊपर आता है इसमें Z2, अगर Z2 ज्यादा होगा तो ये वाला ज्यादा सप्लाई करेगा, अगर Z1 ज्यादा होगा तो ये वाला ज्यादा सप्लाई करेगा। ठीक है, तो एक रिलेशन तो आता है ऐसा। इसी तरीके से अगर आप S2 का लिखोगे तो S2 का क्या बन जाएगा, तो S2 कॉन्जुगेट इक्वल टू ये और बनेगा Z1 प्लस Z2 और ये बन जाएगा आपका SL कॉन्जुगेट। क्लियर है? नहीं है तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपका जो पावर डिलीवर होती है या पावर जहां पे जाके आपकी सप्लाई हो रही होती है वो इन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर जिसका इंपेडेंस ज्यादा होता है वो कम पावर को सप्लाई करता है, जिसका इंपेडेंस कम होता है वो ज्यादा पावर को सप्लाई करता है। क्लियर है? ओके, तो ये एक बेस की तरह काम में लेना है आप लोगों को, बेस की तरह आपका इसमें काम में आना है। अभी तक मैंने फ्रीक्वेंसी या वोल्टेज गवर्नर का नहीं बताया है, पहले आपको पैरेलल ऑपरेशन की कंडीशंस पता होनी चाहिए, एटलीस्ट कंडीशंस पता होनी चाहिए। तो कंडीशन 1 आपको मिल चुकी है, कंडीशन 2 आपको मिल चुकी है, अब हम और आगे की कंडीशंस की बात करते हैं। ठीक है, हाँ ये फॉर्मूला थोड़ा एक्स्ट्रा की तरह हो गया आपके लिए। ठीक है, आपको अगर नॉलेज रखनी है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन ज्यादा पावर को डिलीवर करता है। मान लो कोई क्वेश्चन गेट वगैरह में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपेडेंस की वैल्यूज वो दे देता है और आपसे ये पूछता है कि कौन सा होगा जो ज्यादा पावर को डिलीवर करेगा और कौन सा होगा जो कम पावर को डिलीवर करेगा, तो आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, और समझना, तो इन सबको हटा दूं मैं। ठीक है, आगे की कहानी शुरू करते हैं। अभी के लिए सिर्फ दिस कंडीशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। ठीक है, बाकी ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूले। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग। ओके, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बड़ी सिंपल चीज है। ओके, चले आगे। अब देखो मैं इन सबको हटा देता हूं और कंडीशन बताता हूं आपको और भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इनको हटाता हूं मैं। देखो अभी आप समझो क्या होना चाहिए। सर दो अगर जनरेटर है और वो पैरेलली ऑपरेट है तो उनका इंड्यूस्ड ईएमएफ सेम होना चाहिए। चलो सर वो मान लिया ये बात कि इंड्यूस्ड ईएमएफ सेम होना चाहिए, उसके अलावा और क्या होना चाहिए। सर प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे जो आपके सिस्टम होते हैं वो 3-फेज सिस्टम होते हैं सर, मतलब 3 फेज होते हैं सर, आर वाई और बी। सही बात है? नहीं है तो अगर सर दो जनरेटर्स को अगर मुझे क्या करना है, कनेक्ट करना है, तो क्या होना चाहिए। क्या सर एक कंडीशन में ये लिख सकता हूं कि अगर मेरा 3-फेज सिस्टम है तो ये होना चाहिए कि आपका जो कनेक्शन है वो कैसा होना चाहिए, तो कंडीशन नंबर 3। क्लियर है? नहीं है तो ये क्या होना चाहिए कि द सेम फेजेस आर कनेक्टेड टुगेदर। सेम फेज कैसे कनेक्ट होने चाहिए, टुगेदर कनेक्ट होने चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आर आर से कनेक्ट है, वाई वाई से कनेक्ट है और बी बी से कनेक्ट है। अगर आप लोगों ने ऐसा कर दिया कि आर को वाई से कनेक्ट कर दिया, वाई को बी से कनेक्ट कर दिया, अगर अलग अलग से कनेक्ट कर दिया तो आपको पता है कि इनके बीच में क्या होता है, आर और वाई के बीच में क्या होगा, 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड सेम होने के बावजूद भी डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या होने लग जाएगा, सर्कुलेटिंग करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। सही बात है? तो अगर ध्यान रखना, जब भी कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो क्या होगा, सीधी सी बात है, डायरेक्ट सर्कुलेटिंग करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछ लिया कि अगर सेम फेज में कनेक्ट नहीं किया तो क्या होगा, सर सर्कुलेटिंग करंट का फ्लो होगा और लोड के पास में पावर कम पहुंचेगी और दोनों जनरेटर्स के बीच में ही पावर घूमती रह जाएगी। सही है? तो ओके, आगे कंडीशन नंबर 4। इसको समझने से पहले थोड़ा सा समझो। ठीक है, ओके, मान लो दो जनरेटर है आपके पास में, एक ने जो ईएमएफ इंड्यूस किया मान लो वो ऐसा है। ठीक है, अगर 3-फेज सिस्टम है तो मान लो किसी एक फेज का डायग्राम बना रहा हूं मैं। ठीक है, मान लो आर फेज का है तो ई1 का बिहेवियर ऐसा है और मान लो आपका जो ई2 है, आपका जो ई2 है उसका बिहेवियर ऐसा है कि ई2 ये मान लो ये वाली जो डायग्राम है, ये वाला आपका ई1 के लिए है। ठीक है, और ई2 जो है ना वो ऐसा है कि मान लो इससे ये लैग कर रहा है किसी एंगल थीटा से। ठीक है, मैग्नीट्यूड उतना ही है, मैग्नीट्यूड उतना ही है जितना इसका है, उतने ही ऊपर जा रहा है ये भी। ठीक है, ये लो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, मतलब E1 इक्वल टू E2 है, मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, पर दोनों के बीच में क्या आ गया, दोनों के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये दोनों के बीच में थोड़ा सा फेज डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये दोनों का मैग्नीट्यूड है इस तरीके से। तो आपको E1 E2 के बराबर दिख रहा है, ये भी क्या है आपका, ये E2 है मान लो, तो E1 बराबर दिख रहा है E2 के, दिख रहा है, लेकिन दोनों के बीच में ये थीटा का क्या आ गया है, फेज डिस्प्लेसमेंट आ गया। मान लो ये थीटा है ये एंगल यहां तक का। सही है, ये एंगल आपका कितना है, मान लो ये थीटा है,
तो सर ये थीटा का फेज डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो इससे क्या होगा, जब आप कनेक्ट करोगे और किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब आप चेक करोगे, मान लो मैंने किसी भी कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम ले लिया, ये ले लिया, तो क्या होगा, एक का मैग्नीट्यूड आपको दिखेगा इतना और दूसरे का मैग्नीट्यूड दिखेगा इतना, तो मैग्नीट्यूड में एक्चुअल में आपको क्या दिखने लग जाएगा, डिफरेंस दिखने लग जाएगा। सही बात है, नहीं है, मैक्सिमम वैल्यूज में डिफरेंस नहीं है, पर फेज में डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से आपको क्या दिखने लग जाता है, इसमें डिफरेंस दिखना शुरू हो जाता है। मतलब सर, अगर आप एक थ्री फेज के कनेक्शन को या सिंगल फेज के कनेक्शन को जब कनेक्ट करो, तो जैसे उनके जो इक्वल फेज होते हैं, जैसे आरआर फेज हुआ, दोनों को आप लोगों ने कनेक्ट किया, तो उन दोनों के फेज के बीच में कोई भी फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। अगर फेज डिस्प्लेसमेंट हुआ तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग मिलेगा और उसकी वजह से सर्कुलेटिंग करंट का क्या होना शुरू हो जाएगा, फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर फोर, क्या होना चाहिए कि द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द सेम फेजेज, आर आर में, वाई वाई में, दोनों के में, द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द सेम फेजेज मस्ट बी जीरो। कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए सर, कोई भी फेज डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए। अगर फेज डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हुआ तो मेरे सिस्टम में मुझे क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्लियर है, ओके आगे समझो, कंडीशन नंबर फोर होगी और कंडीशन नंबर नेक्स्ट वाली फिफ्थ समझना। ओके, इनको मैं हटा देता हूं जरा। ओके, 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 इसको इरेज करने में काफी टाइम लग जाता है। ओके, मॉइस्चराइजर है आज थोड़ा सा, बारिश वारिश जिसकी वजह से, ठीक है। हाँ देखो, तूफान चल रहा है ना आपका, तो कथी उकाती कौन सा है, जो भी है। ओके, तो अगला है आपका फिफ्थ नंबर, ठीक है। देखो काफी सारी प्रॉब्लम आ रही है, कभी कोरोना चल रहा है, हैं अभी ये तो एक और चल रहा है आपका ब्लैक एरिश वाला, तो जो भी है समझो। नेक्स्ट है, अगर मान लो मैं अगली बात करता हूं तो जरा समझना मैं जो बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। मान लो आपके पास में दो सिग्नल है, एक E1 है एक E2 है, मतलब आपको एक के ऊपर जो वोल्टेज मिल रहा है वो ऐसा मिल रहा है, सपोज दैट, समझना, ऐसा मिल रहा है E1, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो सेम रखना ही है अपन को, अपन देख चुके हैं कंडीशन की मैग्नीट्यूड तो सेम होना ही होना चाहिए, ठीक है। बाकी और क्या क्या होना चाहिए वो देख रहे हैं अपन, ठीक है, ओके। तो ये मान लो आपका एक साइनोसोइडल फॉर्म है, E1 है आपका, ठीक है। अब E2 जो मैंने बनाया उसमें मैंने फेज डिस्प्लेसमेंट तो नहीं लिया, बिल्कुल फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वही है आपका, ठीक है। और मैग्नीट्यूड भी मुझे सेम ही रखना है, तो ये कोई फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं लिया मैंने, उसी फेज से शुरू हो रहा है, और मैंने मैग्नीट्यूड भी इसका सेम ही रखना है, ये लो सेम ही रख दिया मैंने। बट मैंने किया क्या है, मैंने ये किया है कि मैंने जो फ्रीक्वेंसी थी ना, उस फ्रीक्वेंसी को मैंने डबल कर दिया। मतलब जहां तक E1 जो है वो एक साइकिल कंप्लीट करेगा, उतने में आपके E2 ने दो साइकिल कंप्लीट कर ली, फ्रीक्वेंसी को मैंने डबल कर दिया। कर दिया नहीं कर दिया, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, अलग अलग होगी। एक की फ्रीक्वेंसी एक एफ है तो दूसरे की फ्रीक्वेंसी 2F हो चुकी है। सही बात है, नहीं है, तो क्या होगा सर, ये कंडीशन भी मेरे लिए सही नहीं है। क्यों नहीं है ये सही, ध्यान से समझना, ये आपके आगे भी काम आएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज का तो आपके आगे काम आना ही है ऑपरेशन में, तो इसीलिए तो मैंने ये सब बता रहा हूं। देखो मैग्नीट्यूड सर सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब जितना E1 का है उतना का उतना ही किसका है, ये आपका E2 हो गया, मान लो E2 का भी उतना ही है, दोनों का सेम है, बट फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है। तो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होने की वजह से क्या हुआ, अगर सर मैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे देखूंगा तो एक का मैग्नीट्यूड अगर इतना दिखेगा तो दूसरे का मैग्नीट्यूड इतना दिखेगा, अलग अलग दिख रहे हैं, क्या होगा वही कहानी, मैग्नीट्यूड अलग अलग दिखेगा तो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगी जो बिल्कुल अच्छी नहीं है। सही बात है, तो वही केस आ जाएगा। तो क्या होना चाहिए कंडीशन नंबर फिफ्थ, तो कंडीशन नंबर फिफ्थ होनी चाहिए कि द फ्रीक्वेंसी या द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द जनरेटर, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द जनरेटर्स मस्ट बी सेम। कैसी होनी चाहिए, दोनों की सेम होनी ही होनी चाहिए, अगर सेम नहीं हुई तो वही प्रॉब्लम, फिर से आपकी क्या होगा, सर्कुलेटिंग करंट का फ्लो होना
शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ एकाध कंडीशंस हैं जो आप लोगों को हमेशा ध्यान में ही रखनी है कि अगर मैंने ऑपरेशन किया तो इन कंडीशंस का होना कंपलसरी है। अगर ये हुआ तो ही आपके दो जनरेटर पैरेलली ऑपरेट कहलाएंगे, अगर नहीं हुआ तो वो मेरे सिस्टम में इफेक्टिवली पैरेलली ऑपरेशन नहीं होगा, सर्कुलेटिंग करंट का फ्लो होगा। जनरेटर पावर को डेवलप भी कर रहे हैं और अपने ही अंदर क्या कराए जा रहे हैं, पावर को फ्लो कराए जा रहे हैं, वो पावर लोड के पास इफेक्टिवली तरीके से पहुंच ही नहीं पा रही है। सही है, तो क्या वो इफेक्टिव पैरेलल ऑपरेशन होगा? क्या नहीं होगा। तो पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए ये सारी की सारी कंडीशंस जो है वो आपकी सेटिस्फाई होना कंपलसरी है, ये होना ही होना चाहिए। ठीक है, ये होगा तो ही आपका पैरेलल ऑपरेशन माना जाएगा। क्लियर है? नहीं है तो आई थिंक इन चीजों में कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। आगे चले, अब हम चलते हैं आपके टॉपिक के ऊपर। जो आपका टॉपिक है उस तरीके से उसकी तरफ आप लोग चलना शुरू करेंगे। टॉपिक आपका यही है, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द जनरेटर। दो जनरेटर्स को आपको पैरेलल ऑपरेशन कराना है और यह देखना है कि जब वो पैरेलली ऑपरेट करेंगे, जब उनके ऊपर लोड कनेक्ट होगा तो लोड कनेक्ट होने से उनके जो वोल्टेज होगा, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, उन वोल्टेज फ्रीक्वेंसी वगैरह में किस तरीके से चेंजेज आपके पाए जाएंगे। सही है, तो उन सब चीजों को हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। उसको ही हम बोलते हैं वोल्टेज गवर्नर, या उसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी गवर्नर, जो भी आपको बोलना हो। तो उसको गवर्नर कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गवर्नर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो वो सब देखो मैंने पहले ही बोला है, अगर आपका बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, तो आपको कोई भी टॉपिक है वो बहुत हल्का लगेगा। तो इसीलिए पहले मैंने ये बेस कंप्लीट कराया आपका, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी हम पैरेलल ऑपरेशन के बारे में बात कर पाएंगे। ठीक है, कोई पैरेलल ऑपरेशन बोलो तो आप बोल सकते हो कि ये कंडीशंस होनी चाहिए, तो ही वो पैरेलली अच्छे से ऑपरेट हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ओके। अब देखो, अब मैं इनको हटा देता हूं। ठीक है, अब मैं ओके स्पीड गवर्नर की बाद में बात करेंगे कि किस तरीके से स्पीड या फ्रिक्वेंसी आपकी चेंज होती है। ठीक है, पहले हम एक जनरेटर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जब एक जनरेटर होता है तो उस जनरेटर के साथ क्या हो रहा होता है बेचारे के साथ। तो पहले हम उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, समझना जरा, एक सिंक्रोनस जनरेटर के साथ में। तो सर क्या होता है कि जब एक सिंक्रोनस जनरेटर होता है या कोई भी जब जनरेटर होता है तो उसके पास में सर दो पावर होती है। कौन कौन सी होती है? सर एक उसके पास में जो पावर होती है वो होती है मैकेनिकल, जो इनपुट होता है सर कहां पे? रोटर के ऊपर। एक होती है सर उसके पास में इलेक्ट्रिकल पावर, जो वो किसको सप्लाई करता है? लोड को सप्लाई करता है। तो सर उसके पास में दो पावर होती है और उन दोनों पावर्स में मैंने आप लोगों को जब हम लोगों ने स्टेबिलिटी पढ़ी थी तो याद करो स्टेबिलिटी में एक कंडीशन पढ़ी थी हम लोगों ने, इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ी थी। नहीं पढ़ी थी? क्या पढ़ा था हम लोगों ने? भूलो मत, देखो जो चीजें पढ़ी है ना बहुत इंपॉर्टेंट थी सबकी सब। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? हम लोगों ने यह पढ़ा था कि अगर सर कोई भी जनरेटर हो, मोटर हो, कुछ भी हो, अगर वो मान लो एक कॉन्स्टेंट स्पीड के ऊपर वर्क कर रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उसकी जो सपोर्टिंग पावर है और जो अपोजिंग पावर है वो दोनों कैसी है? इक्वल है। अब देखो जनरेटर में आप पानी गिरा रहे हो किसके ऊपर? शाफ्ट के ऊपर, रोटर के ऊपर, वो रोटर को घुमाया जा रहा है। सही है, तो मतलब वो आपका एक मैकेनिकली इनपुट है। क्या है वो आपका? एक मैकेनिकल इनपुट है। तो उस मैकेनिकल इनपुट की वजह से क्या हो रहा है? सर उस मैकेनिकल इनपुट की वजह से मेरा रोटर जो है ना वो घूम रहा है, मतलब वो पावर है जो आपके रोटर को घुमाने में सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। सही है, उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था स्टेटर की वाइंडिंग के ऊपर और वहां आपने लगा रखा है लोड। तो मतलब जो इलेक्ट्रिकल लोड है वो आपका क्या करने का काम कर रहा है? सर अपोजिशन करने का काम कर रहा है। किसको अपोजिशन? सर रोटर की डायरेक्शन को। तो सर मेरे पास दो पावर होती है, कौन कौन सी? सर एक तो मैकेनिकल इनपुट होता है, एक इलेक्ट्रिकल डेवलप होता है। तो याद करो जो मैंने आप लोगों को सिखाया था वही याद करो, क्या होता है? तो सर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास दो होता है, मतलब आपकी जो एक्सेलरेटिंग पावर होती है वो सर आपकी होती है मैकेनिकल पावर माइनस योर इलेक्ट्रिकल पावर। ये वो पावर होती है जो क्या करती है सर? रोटेशन में सपोर्ट करती है। ठीक है, और ये वो है जो सर क्या करती है? अपोजिशन करती है। ये क्या करती है? अपोजिशन करती है। तो एक वो पावर है जो सपोर्ट कर रही है, एक वो पावर है जो सर क्या कर रही है? अपोजिशन कर रही है। अगर अपोजिशन ज्यादा हो गया तो स्पीड का कम होना शुरू हो जाएगा, और अगर सपोर्ट ज्यादा हो गया तो स्पीड का बढ़ना शुरू हो जाएगा। यह चीज मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा अगर आप लोग मेमोराइज नहीं रहता है तो आप लोग थोड़ा सा समझ लो। जनरेटर में आपको पता है ना, जनरेटर में आपका क्या होता है? मान लो आप लोग ऐसे घूम रहे हो, ठीक है, एनएस स्पीड से ऐसे घूम रहा है आपका, तो जनरेटर में आपका रोटर जो होता है वो आगे आगे चलता है और आपका जो स्टेटर होता है वो आपका पीछे पीछे चलता है। दोनों के बीच में एंगल होता है पावर एंगल, दोनों सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहे हैं। सही है, स्टेटर के ऊपर क्या होता है? स्टेटर के ऊपर होता है लोड। अगर स्टेटर के ऊपर लोड बढ़ गया तो ये इसकी स्पीड को क्या करेगा? भाई लोड बढ़ गया तो पोजीशन बढ़ गया, तो स्टेटर थोड़ा धीरे घूमना शुरू करेगा। ये जैसे ही थोड़ा धीरे घूमना शुरू करेगा तो ये एंगल जो होगा वो बढ़ जाएगा।
एंगल बढ़ जाएगा तो एक्टिव पावर बढ़ जाएगी, मतलब एक्टिव पावर जनरेटर से लोड के पास जाना बढ़ जाएगी। अरे यार सीधी सी बात है, अगर लोड बढ़ रहा है तो मतलब उसकी डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई कौन करेगा? जनरेटर। तो जनरेटर को खुद को ऐसे एडजस्ट होना पड़ेगा ना कि वो ज्यादा से ज्यादा पावर को सप्लाई कर पाए। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा था स्विंग इक्वेशन कि थोड़ी देर तक ये इधर उधर घूमते हैं, फिर वापस से एक ऑपरेटिंग स्पीड इनको मिल जाती है और फिर से वो उसके ऊपर ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। सही बात है, नहीं है? तो ये एक्चुअल में हमारा क्या होता है, सिस्टम होता है। ठीक है, अब समझना जरा ध्यान से, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, देखो तो सर इस तरीके से पावर है। अब बेटा वहां पे हम लोगों ने सडनली जो सारे डिजास्टर थे वो देख लिए थे कि अगर मैकेनिकल इनपुट बढ़ जाए या मान लो आपके फॉल्ट आ जाए या क्या हो जाए, तो सब जगह हम लोगों ने स्टेबिलिटी पढ़ी थी। वो एक पूरा टॉपिक था, पूरा ब्रॉडली था, वो सब समझाया था मैंने। यहां फिर से उसी की थोड़ी सी कहानी आ रही है, थोड़ा समझो। मान लो सर मेरा लोड चेंज हो रहा है, भाई क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, पहले मान लो आप लोगों ने जनरेटर को स्टार्ट किया, अब वो जनरेटर लोड से कनेक्ट नहीं है, फिर मान लो आपने जनरेटर के ऊपर पूरा का पूरा शहर कनेक्ट कर दिया, तो लोड बढ़ गया ना उसके ऊपर, तो लोड बढ़ा तो क्या हुआ, आपने मैकेनिकल इनपुट को तो बढ़ाया क्या? नहीं बढ़ाया। लेकिन आप किसको बढ़ा रहे हो? लोड को बढ़ा रहे हो। तो जब हम लोड को बढ़ाते हैं तो क्या होता है? तो सर अगर मेरा पी ऑफ ए जो होता है वो आपका पी एम माइनस पी होता है, इतना सही है। लेकिन जैसे ही सर अगर मैं बात करता हूं कि स्टार्टिंग में जब मैंने लोड कनेक्ट नहीं कर रखा है, आपका जनरेटर बिना लोड के चल रहा है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है सर? उस टाइम पे ये हो रहा होगा कि जब मेरा P ऑफ M जो होगा वो बराबर होगा ना P ऑफ E के, हमेशा यही होता है, यही होती है इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये कंडीशन क्या होती है सर? इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन होती है। सही है, तो ये एक कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा होगा, मतलब इस टाइम पे जो आपका स्पीड होती है ना N, ये कैसी होती है सर? कांस्टेंट होती है। तो स्पीड अगर कांस्टेंट होगी तो इसका कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी, होगी फ्रीक्वेंसी। मान लो वो फ्रीक्वेंसी है आपकी F नोड है, तो ये होगी मान लो आपकी नो लोड फ्रीक्वेंसी, जब आप लोगों ने लोड कनेक्ट नहीं किया है, तो ये आपकी नो लोड फ्रीक्वेंसी होगी। ये मान लो ये भी आपको N0 बोल दो, ये हो गया आपका नो लोड स्पीड, हो गया आपका। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी और स्पीड में एक ही रिलेशन आप लोगों को पता है, जानते हो ना आप, NS 120 F upon P। ठीक है, तो अगर N चेंज होगा तो F चेंज होगा, F चेंज होगा तो N चेंज होगा, सीधी सी बात। अब देखो, अब आपने क्या किया, मान लो लोड कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एट लोड, जैसे जैसे आप उसके ऊपर लोड बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, तो होगा क्या, अगर सर मेरा लोड जो होगा अगर वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो मतलब ये हो रहा है सर मेरा पी ऑफ ई बढ़ता जा रहा है। अगर पी ऑफ ई अगर मेरा बढ़ता जाएगा तो सर अपोजिशन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा सर, मैकेनिकल इनपुट अगर ये मेरा कॉन्स्टेंट है और अपोजिशन अगर बढ़ रहा है, तो क्या होगा सर, मेरा पी ऑफ ए जो होगा, एक्सेलरेटिंग पावर जो होगा, वो घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी। तो अगर अपोजिशन बढ़ रहा है लेकिन मैकेनिकल इनपुट आपका बढ़ नहीं रहा है, अपोजिशन अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा सर, मेरी जो स्पीड होगी वो स्पीड क्या होना शुरू कर देगी सर, डिक्रीज करना शुरू करेगी, गिरना शुरू हो जाएगी। अगर मेरी स्पीड डिक्रीज होगी तो सर मेरी स्पीड क्या होती है सर, मेरी स्पीड जो होती है वो होती है आपकी 120 F upon P, होती है कि नहीं होती है? जैसे जैसे अगर सर मेरी स्पीड डिक्रीज होगी तो नंबर ऑफ पोल तो फिक्स होंगे ना यार, आपने एक बार जनरेटर बना दिया तो बार बार ये तो है नहीं, उसको उधेड़ उधेड़ के बार बार अलग अलग नंबर ऑफ पोल्स जो है उसको चेंज करोगे, तो ऐसा तो करोगे नहीं। तो क्या होगा, जैसे जैसे स्पीड कम होगी आपकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी कम होती जाएगी कम होती जाएगी। मतलब क्या होता है कि जब अगर मैं बात करूं कि एट नो लोड टू फुल लोड, जब मैं नो लोड से फुल लोड की तरफ चलता हूं तो क्या होता है, द स्पीड एंड द फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज। क्या होता है, विल डिक्रीज कब, व्हेन द मैकेनिकल इनपुट, व्हेन द मैकेनिकल इनपुट विल रिमेन फिक्स। अगर आप मैकेनिकल इनपुट को चेंज नहीं कर रहे हो, अगर आपका पीएम फिक्स है, अगर मान लो भाई लोड बढ़ा रहा आपने मैकेनिकल इनपुट को भी बढ़ा दिया, तो वो क्यों स्पीड को कम होने देगा, फिर तो हो गया ना काम आपका बराबर। सही है, तो मैकेनिकल इनपुट अगर बढ़ जाएगा तो वैसे ही स्पीड बढ़ जानी है आपकी। ठीक है, तो कम होने को और बढ़ाने को सबको खत्म कर देगा। लेकिन क्या होगा, अगर आपका मैकेनिकल लोड नहीं बढ़ रहा है, अगर वो फिक्स है और उसके बावजूद अगर आपका इलेक्ट्रिकल डेवलप्ड पावर अगर बढ़ रही है, मतलब अगर उसके ऊपर लोड बढ़ रहा है, तो क्या होना पड़ेगा सर, ये होना पड़ेगा कि उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है नहीं है? मतलब क्या होगा सर, उसकी स्पीड में डिक्रीमेंट होगा, स्पीड में डिक्रीमेंट होगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी में भी क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। ये स्पीड ये और फ्रीक्वेंसी में लोड कनेक्ट करने के हिसाब से जो चेंज होता है ना, उसी को बोलते हैं स्पीड गवर्नर। ठीक है,
कि स्पीड या फ्रीक्वेंसी में एक लोड को कनेक्ट करने से किस तरीके से चेंजेस होते हैं। तो इसी को बोला जाता है स्पीड गवर्नर, या इसको बोला जाता है ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोला जाता है? ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर है? नहीं है तो ये सब इसी के नाम होते हैं, स्पीड गवर्नर, ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर है? तो ये सब तभी होते हैं जब आप एक जनरेटर के ऊपर क्या कनेक्ट करते हो, एक लोड को कनेक्ट करते हो। सही बात है? नहीं है? मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा होता है, सुनो तो मैं एक्चुअल फिनोमिना बता देता हूं इसको। ये समझ में आया आपको कि होना क्या है और क्यों होना है? तो इस तरीके से होता है और ये इसका रीजन है कि ऐसा क्या हो जाता है, फिनोमिना हो जाता है। ठीक है, अब समझना जरा और आगे की कहानी। ठीक है, जो मैं इसको हटा देता हूं, देखें ये सब चीजें आप लोगों के लिए समझना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। ठीक है, ओके, तो मैं इसको हटा देता हूं, सपोज दैट। ठीक है, एकदम सिंपल भी मैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएगी इजीली तरीके से। ओके, बस जुड़े रहो और ध्यान से देखते रहा करो चीजों को। ओके, हाँ, तो मैं इसको हटा देता हूं। अब देखो, मान लो आपका कोई जनरेटर है। ठीक है, अब जनरेटर में इनिशियल में मान लो आप लोगों ने क्या किया, लोड को नहीं लगाया और आपने मैकेनिकल इनपुट दे दिया, और मैकेनिकल इनपुट देके आप क्या कर रहे हो, पावर को डेवलप कर रहे हो। सही बात है? अब पावर को डेवलप कर रहे हो तो वो क्या करेगा, एक कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करता रहेगा जब आपका पीएम पीई के बराबर होगा। सही बात है? तो क्या हुआ, मान लो पहले मैं एक ही जनरेटर को बना रहा हूं, फिर दो को बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं एक को बता देता हूं कि एक का बिहेवियर कैसा होगा, फिर उसके पैरेलल में एक दूसरा भी कनेक्ट कर दूंगा, फिर दो का समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर जितने भी होंगे सबका समझ आ जाएगा। देखो, तो पहले सपोज दैट ये आपकी है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से बनाओ या स्पीड से बना दो, एक ही बात है ना, फ्रीक्वेंसी स्पीड एक ही, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी में डिक्रीमेंट होगा तो उतना ही स्पीड में होगा, क्योंकि 120 और पी तो कॉन्स्टेंट है, तो एन प्रोपोर्शनल एफ है। और यह है आपकी पावर, पावर मतलब लोड को जितनी चाहिए। अब देखो, ये कोई जनरेटर है, अब यहां पे इनिशियल में कोई लोड नहीं लगा हुआ, मतलब ये आगे कोई भी पावर को डिलीवर नहीं कर रहा है। पी आपकी कितनी है, जीरो है, कोई पावर को ये डिलीवर नहीं कर रहा है। ठीक है, कितने मेगावाट जानी है, कितने नहीं जानी है, ये पावर को डिलीवर नहीं कर रहा है। अगर पावर को डिलीवर नहीं कर रहा है तो इनिशियल में जो होगा वो इसकी कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी रही होगी, जहां आपका मैकेनिकल इनपुट और इलेक्ट्रिकल आउटपुट भाई जितना थोड़ा बहुत अपोजिशन है उस हिसाब से आपने सपोर्ट दे रखा है, और वो किसी ना किसी स्पीड से घूम रहा होगा। तो इसको मैं बोल देता हूं जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो एफ नॉट होगी, मतलब नो लोड फ्रीक्वेंसी या नो लोड आपकी पावर, जो भी आपको बोलना है। ठीक है, मतलब ये आपने जो एफ ऑफ जीरो बोला है, ये आप लोगों ने बोला है नो लोड फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, अब नो लोड फ्रीक्वेंसी होगी तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड भी होगी, 120 एफ नॉट अपॉन पी के बराबर। सही है? ओके, तो यहां पे आपकी पावर जीरो है, पावर जीरो है तो ये हो गया नो लोड। अब आपने क्या किया, उस जनरेटर के ऊपर, इस जनरेटर के ऊपर मान लो एक लोड लगाया है इस तरीके से, और इस लोड की वैल्यू धीरे 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 बढ़ती जा रही है, ग्रेजुअल तरीके से लोड क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब अगर लोड बढ़ता जा रहा है तो मतलब पावर की डिमांड बढ़ती जा रही है, मतलब आप इधर लोड को बढ़ाए जा रहे हो। तो क्या होता है, आप अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे जैसे लोड बढ़ता है, पी ऑफ ई बढ़ता है, आपकी जो स्पीड होती है वो रिड्यूस करना शुरू कर देती है। अगर स्पीड रिड्यूस होने का मतलब है सीधी सीधी बात भाई 120 एफ अपॉन पी होता है, तो एन प्रोपोर्शनल एफ है, तो अगर स्पीड कम होगी तो मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, सीधी सी बात है। तो क्या होगा सर, ये जो फ्रीक्वेंसी होगी वो धीरे धीरे क्या होना शुरू कर देगी, रिड्यूस होना शुरू कर देगी, इस तरीके से रिड्यूस हो रही है। सही बात है? नहीं? ओके, अब आप बोलोगे सर ये स्ट्रेट लाइन ही क्यों बना, कोई पैराबोला या मतलब ऐसी सब जो चीजें हैं वो क्यों नहीं बनी, ये स्ट्रेट लाइन ही क्यों बन रहा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि आपका पी जो होता है ना, पी जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आपका के फाई आई ए के। ठीक है, ये आप लोगों को अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको आई ऑफ ए के बारे में भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, या आप ऐसा समझ लो कि लोड जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, पता है ना आपको, एस प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई होता है, क्योंकि लोड कैसे लगे होते हैं, पैरेलल में। ये चीज मैं समझा चुका हूं पहले, एस प्रोपोर्शनल टू आई होता है भाई, लोड ऐसे होते हैं ना पैरेलल में, जैसे मान लो एक लोड लगा हुआ है, इसको करंट चाहिए आई वन, तो यहां से आई वन करंट आ रही होगी, एक और लगा दिया तो पैरेलल में लगे हुए तो वोल्टेज तो सब पे सेम ही है, मान लो इसको करंट चाहिए आई टू, तो यहां से आई वन प्लस आई टू आने लग जाएगी, और लग गया तो और आएगी, और लग गया तो और आगे, मतलब एस प्रोपोर्शनल होता है आई के। सही है? और पी जो होता है ना, या पी समझ लो, या आपको इसको टॉर्क बोल दो, ठीक है टॉर्क भी बोलोगे तो वही बात है, टो जो होता है वो होता है आपका के फाई आई ए के बराबर। तो मतलब आई ए जो होता है, आई ए जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस के, तो जैसे एस चेंज होगा वैसे आई ए चेंज होगा, जैसे आई ए चेंज होगा वैसे पी चेंज होगा, तो अगर P बढ़ेगा तो IA बढ़ेगा। सही बात है? नहीं है? फाई हो गया।
लेकिन ये होता है टॉर्क का, टॉर्क इक्वल टू के फाई आई है। लेकिन अगर आप बात करो पावर की, तो पावर होता है टॉर्क इनटू ओमेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, तो आपका टॉर्क ग्रेजुअली तरीके से बढ़ता जाएगा, और आई ये बढ़ता है तो फाई भी बढ़ता है, तो मतलब ये जबरदस्त तरीके से बढ़ता है भाई। पावर बढ़ रही है तो ये जो चीज है, देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, यहाँ पे वैसे ये चीज आपको समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मशीन का पार्ट है, ठीक है, तो मशीन में आप लोगों को वहां समझाया जाता है। लेकिन मैं वैसे भी मैं बता चुका हूं कि पावर के बढ़ने से किस तरीके से फ्रिक्वेंसी में डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। लेकिन आपको अगर फिर भी समझना है तो आप लोग देख सकते हो कि टॉर्क जो होता है वो होता है आपका के फाई इंटू आई ए के बराबर। फाई जो होता है ये आपका रिजल्टेंट फ्लक्स होता है। आर्मेचर में करंट बढ़ने की वजह से आप लोगों को पता है कि फाई का बिहेवियर जो होता है इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे एस बढ़ता है आई ऑफ ए बढ़ता है, और आप लोगों का जब आपका लोड कनेक्टेड होता है, कौन सा, जब आपका लोड कनेक्टेड होता है लैगिंग, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में लैगिंग होता है, तो आई ऑफ ए के बढ़ने से डीमैग्नेटाइजेशन बढ़ता है, तो डीमैग्नेटाइजेशन बढ़ता है तो रिजल्टेंट फाई कम होता है, तो ये इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये जो चीजें होती है इसका इंक्रीमेंट और इसका डिक्रीमेंट, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली बराबर ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसमें डीमैग्नेटाइजेशन होता है, पी इक्वल टू आपका टो ओमेगा होता है। तो जिस जिस तरीके से आपका बढ़ता जाता है पावर, पावर पावर जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो क्या होता जाएगा, जैसे जैसे आपके पी की वैल्यू, पी इक्वल टू क्या होता है, टो इन टू ओमेगा होता है, सही है। तो जैसे जैसे पावर की वैल्यू बढ़ती जाती है क्या होगा, सर यहां पे दो चीजें हैं, एक टॉर्क होगा एक ओमेगा होगा, सर इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन इसमें जो डिक्रीमेंट होता है क्योंकि कोर के फिनोमेना की वजह से सैचुरेशन मोड होता है, तो इसमें डिक्रीमेंट इतना नहीं हो पाता है जितना इसमें इंक्रीमेंट होता है। तो इस आई ऑफ ए में जबरदस्त तरीके से, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस के, एस प्रोपोर्शनल होता है आई ए, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसमें जबरदस्त इंक्रीमेंट होता है। तो इसमें दोनों को मैनेज करने के लिए इसमें इंक्रीमेंट से इसमें जबरदस्त इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। ये जो चीजें हैं ये आप लोगों को जब समझ में आती है, जब अच्छे से आप लोगों ने मतलब मशीन के जो टॉपिक्स है वो आपके इनके टॉर्क और इनके बिहेवियर को अगर अच्छे से समझ रखा है तो आपको पता लगता है, ठीक है। लेकिन आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा इतना याद रखना है जितना मैंने आप लोगों को बताया, किस तरीके से कि सर जैसे जैसे पी ऑफ ई होता है, वो पी ऑफ ई अगर बढ़ेगा तो मतलब मेरा अपोजिशन बढ़ेगा, अपोजिशन बढ़ेगा तो सीधी सी बात है सर मेरे स्पीड जो होगा ना उसमें डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। स्पीड में क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, तो सर मेरी स्पीड कम होती जा रही है, ठीक है। तो यहां पे जो मेरा एफ नोड है वो सर एफ नोड है, ये है सर मेरी नो लोड करंट, कौन सी करंट है, या नो लोड फ्रिक्वेंसी, ठीक है, ओके, दो दो बार लिख दिया, कोई बात नहीं। अब मान लो ये आपका पूरा का पूरा इतना लोड कनेक्टेड था, ये आपका पी ऑफ लोड है, लोड को इतनी पावर चाहिए थी, तो ये डिक्रीमेंट होते होते यहां पे जाके ऑपरेट करना शुरू कर देगा, मतलब ये इसकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी होगी एफ, क्लियर है, नहीं है तो ये आपकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी होगी, इसको कुछ भी नाम दे दो आप, इसको फ्रिक्वेंसी ऑपरेटिंग बोल दो, इसको फुल लोड फ्रिक्वेंसी बोल दो, क्लियर है, एफ ऑफ एल बोल दो, या मान लो जनरेटर G1 मतलब 1 और 2 है तो उसको 1-2 बोल देना, जो भी बोलना है। तो ये आपका एफ जो है, ये एफ ऑफ फुल लोड है, ये है आपकी फुल लोड फ्रिक्वेंसी, क्या है ये आपकी फुल लोड फ्रिक्वेंसी, मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, सर जैसे जैसे मेरा लोड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेरी स्पीड जो होगी या फ्रिक्वेंसी होगी जो वो कम होती जाएगी। अब आपके मन में एक डाउट आएगा, वो डाउट आपके मन में ये आएगा कि सर प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो तो 50 हर्ट्ज होती है भाई, इंडिया में हम कभी चेंज करना चाहते नहीं है, और लोड जो होता है वो तो चेंज होता रहता है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, तो इसका मतलब अगर लोड चेंज होगा तो मेरी फ्रिक्वेंसी भी चेंज होगी, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, तो फिर हमको क्यों बोलते हैं कि हमारी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज होती है, इतना प्रेशराइज क्यों करते हैं 50 हर्ट्ज के ऊपर, फिर तो बोल दो ना कि भाई चेंज होती रहती है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज तो इंपॉर्टेंट है भाई, अपने हिसाब से तो चेंज हो रही है, सही है, लेकिन प्रैक्टिकल में तो आप बोलते हो कि चेंज नहीं होती है। तो यही तो चीज है, आपको यही तो सीखना है कि फ्रिक्वेंसी को हम मैनेज कैसे करते हैं भाई, फ्रिक्वेंसी को हम हमेशा 50 हर्ट्ज कैसे बनाए रखते हैं जबकि लोड चेंज होता रहता है, ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है, फिर भी हम फ्रिक्वेंसी को कैसे मैनेज करते हैं, तो वही तो आपको समझना है, वही तो आपका टॉपिक है, सही बात है, नहीं है, तो यही आपको समझना है। तो पहले तो ये चीज समझ में आई, क्लियर है। अब हुआ क्या सर, फ्रीक्वेंसी जो होती है अगर मैं इसमें चेंज देखूं कि फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज हो रहा है, तो सर पहले फ्रीक्वेंसी थी एफ नोड, फिर फ्रीक्वेंसी होगी सर मेरी एफ ऑफ फुल लोड, क्लियर है, नहीं है। अगर मैं इसमें परसेंटेज चेंज होगा तो किसके रेस्पेक्ट में देखूंगा, सर एफ नोड के में, जब मैंने लोड नहीं लगा रखा था। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 100 से तो सर ये मेरा परसेंटाइल में चेंज हो गया फ्रीक्वेंसी में, तो इसको मैं बोल सकता हूं फ्रीक्वेंसी ड्रॉप परसेंटेज में। जैसे अगर आप लोगों ने बोल दिया 2% का ड्रॉप हो रहा है, 3% का ड्रॉप हो रहा है, 4% का ड्रॉप होता है, क्लियर है, तो ऐसा बोला जाता है
कि कैरेक्टरिस्टिक गवर्नर, क्या बोलते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक गवर्नर जनरेटर जीवन की मान लो 2% है, 3% है, या बोलेंगे कि ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक उसकी मान लो 5% है, 7% है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोला जाता है इसको? ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक। या अगर कभी बोला जाए मतलब स्पीड गवर्नर बोल दिया या फ्रीक्वेंसी गवर्नर बोल दिया, तो वो भी इसी का मतलब होता है, ठीक है। या मान लो कभी बोल दिया कि स्पीड गवर्नर, ठीक है, क्योंकि अगर आप स्पीड की बात करोगे तो क्या बोलोगे, एन नोड माइनस एफ ओ फुल लोड डिवाइड बाई एन नोड मल्टीप्लाई विद 100, ये बोलो चाहे ये बोलो एक ही बात है, क्योंकि ऊपर भी 120 एफ ओपन पी आएगा, नीचे भी 120 एफ ओपन पी आएगा, दोनों कट जाएंगे तो इससे यही बनेगा, ठीक है। तो आप इसको स्पीड गवर्नर भी बोल सकते हो, इसको ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, भी बोल सकते हो, और फ्रीक्वेंसी गवर्नर भी बोल सकते हो। तो आपको इसको जो भी बोलना है वो आप अपने हिसाब से इसको बोल सकते हो, दैट्स नो प्रॉब्लम। बट ये ध्यान रखना कि इस तरीके से क्या होता है, आपका जो फ्रीक्वेंसी होता है उस फ्रीक्वेंसी में क्या पाया जाता है, ड्रॉप पाया जाता है। सही बात है कि नहीं है? ओके, हाँ, अब एक चीज को और जरा ध्यान से समझना कि मान लो सपोज दैट मैंने एक बात को और बोला, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें हैं जो अच्छे से समझ में आएगी। देखो, मान लो सर की एक लोड है मेरे पास, वो फिक्स लोड है, ठीक है। अब मैं कुछ और एक्स्ट्रा चीज थोड़ी सी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ठीक है, समझना। फिर दो जनरेटर कनेक्ट करेंगे तो और भी ज्यादा मतलब ब्रॉडली तरीके से और पूरे प्रैक्टिकल लाइफ की फील दिलाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है, अलग अलग केस लेके। पर पहले ये क्लियर होना चाहिए। देखो, सपोज दैट एक जनरेटर था, ये जनरेटर था, ठीक है, ओके, थोड़ा चल नहीं रहा ढंग से, ये ले लो। मान लो ये एक जनरेटर था इस तरीके से, इसके ऊपर ये लोड कनेक्टेड है आपका, ठीक है। मान लो मैंने एक फिक्स अमाउंट का लोड कनेक्ट कर दिया कि मान लो मुझे जैसे 40 मेगावाट की पावर चाहिए भाई, ठीक है। तो इस 40 मेगावाट की पावर चाहिए और मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ जनरेटर, तो मैं अलग अलग तरह के जनरेटर्स का बिहेवियर देखना चाह रहा हूँ कि कौन से जनरेटर का बिहेवियर कैसा होगा, सही है। मान लो मैंने एक जनरेटर G1 कनेक्ट किया 40 मेगावाट, ये तो क्लियर है ना सबके, ओके। अब मैं एक दूसरा केस ले रहा हूँ, समझो, मान लो इस पी ऑफ एल की वैल्यू फिक्स है, 40 मेगावाट है मान लो, तो ये आपका पी ऑफ एल फिक्स है। एक जनरेटर लिया मैंने G1 जिसका बिहेवियर ऐसा है, उसकी ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है, ठीक है, ऐसे चल रहा है ये, आगे यूं जा रहा है, आपको इतनी चाहिए, तो आप लोगों ने यहां पे देख लिया कि कितनी पावर है। तो ये मान लो एक जनरेटर G1 की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, पहले वाला डायग्राम बना लिया था ना, ये दोबारा बनाना दूसरा, ठीक है, ओके। ये मैं बहुत सारे जनरेटर्स के बिहेवियर के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। मान लो ये G1 है, तो इसकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी इतनी है, मान लो F1 है, दिख रहा है ना ये पेन, ओके, नहीं दिख रहा हो तो मैं इसी से लिख देता हूँ, ठीक है। देखो, मान लो ये कितना है, F1 है, ओके, ये किसकी है, G1 की है। अब देखो, मान लो कोई दूसरा करेक्टर, दूसरा जनरेटर है, उसकी करेक्टरिस्टिक अलग है, मान लो उसकी स्लोप अलग है, भाई हर जनरेटर के अलग अलग बिहेवियर होगा, सारे जनरेटर एक जैसे थोड़ी होते हैं, उसका अलग है। मान लो ये G2 है, तो जब ये सप्लाई करेगा तो पी इतने लोड के लिए ये यहां पे कट कर रहा है, तो मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इतनी होगी, सही बात है। तो ये हो गया मान लो आपका F1 और ये हो गया मान लो आपका F2, सही है, ओके। इसी तरीके से मान लो एक और लोड है, वो इस तरीके से, इसकी स्लोप इतनी है, ठीक है, तो ये हो गया मान लो आपका G3, तो इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी देखोगे तो इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इतनी मिलेगी F3। मतलब जैसे 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 आप ऊपर जाते जा रहे हो, मतलब क्या हो रहा है, आपका डिक्रीमेंट कम हो रहा है, मतलब आपकी स्लोप कम होती जा रही है। जैसे जैसे आपकी स्लोप कम होती जाती है, मतलब ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक जब आपकी कम होती है, तो जैसे जैसे आपकी ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक कम होती जाती है, आपकी फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस होता है, वो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस क्या होता जाता है, कम होता जाता है। मतलब अगर आपकी ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक जितनी कम होती है, उसका मतलब ये होता है कि आपकी ऑपरेटिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी नो लोड फ्रीक्वेंसी के उतने ही ज़्यादा नियर होती है, उतने ही ज़्यादा पास में होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। तो हम प्रैक्टिकल में भी तो यही चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम कंट्रोल करना चाहते हैं, सही बात है नहीं है? तो हम नहीं चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा वेरिएशन हो, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हमारा जो स्लोप होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, हम उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, सही बात है नहीं है? तो पहली लाइन तो यहां से क्या समझ में आई, देखो जो चीजें आप लोगों के रिजल्ट निकले ना उसको लिख जरूर लिया करो, ठीक है। तो पहली लाइन तो क्या समझ में आई, ओके, कि इफ, ओके, तो लिखना कि द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी या द डिफरेंस बिटवीन द नो लोड फ्रीक्वेंसी एंड द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज लेस व्हेन
इज लेस फॉर ए जनरेटर दैट हैविंग लो या लेस ड्रॉपिंग करेक्टरिस्टिक जिसकी ड्रॉपिंग करेक्टरिस्टिक जितनी ज्यादा कम होगी वो उतना ही ज्यादा आपके सिस्टम के लिए उसके ओनोलोड फ्रिक्वेंसी के आसपास ऑपरेट करेगा, मतलब वो जितना ही ज्यादा आप लोगों के सिस्टम के लिए थोड़ा क्या होगा, अच्छा होगा, मतलब वो ज्यादा सिस्टम के ऊपर ज्यादा वर्क नहीं करेगा और ज्यादा उसमें प्रॉब्लम क्रिएशन नहीं होगी, ठीक है। ओके, दूसरी चीज और समझना जरा, तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं। ओके, और समझो, ओके, देखो, अगर मान लो मैंने, अब मैं दूसरा केस ले रहा हूं, ठीक है, समझना। मान लो ये मेरी फ्रीक्वेंसी है और ये है मेरा लोड, सही बात है। मान लो ये है आपकी नो लोड फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ जीरो, ठीक है, और आपने फिक्स कर दिया कि मान लो ये आपकी क्या है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है। मान लो ये है आपकी फुल लोड फ्रीक्वेंसी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है ये, सही है। तो ये आपकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी कि आपने फिक्स कर दिया कि मुझे सिस्टम को इसी पे ऑपरेट करवाना है, बस कुछ भी हो जाए मुझे सिस्टम को इसी पे ऑपरेट करवाना है। अब आपके पास में मान लो बहुत सारे जनरेटर है, 3-4 जनरेटर है, ठीक है। मान लो एक जनरेटर का ड्रॉपिंग करेक्टरिस्टिक ऐसा है, दूसरे जनरेटर का ड्रॉपिंग करेक्टरिस्टिक मान लो ऐसा है, तीसरे का मान लो ऐसा है, और चौथे का मान लो और भी आगे चलो मतलब मान लो ऐसा है, ठीक है। तो इस तरीके से मान लो आपके पास में 4 जनरेटर है। जब आप पहले जनरेटर को कनेक्ट करोगे और आप इतनी फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट करना चाहते हो, तो वो जो लोड को पावर सप्लाई करेगा वो कितनी करेगा, इतनी करेगा। मान लो ये P1 हो गया, ये किसके लिए था, G1 के लिए था, ये मान लो G2 का है, ये मान लो G3 का है, ये किसका है, G4 का है। तो G1 के लिए इतनी पावर सप्लाई करेगा, जब G2 होगा तो उसके लिए ये इतनी करेगा, जब G3 कनेक्ट होगा तो अगर ड्रॉपिंग करेक्टरिस्टिक ऐसी होगी तो ये P3 करेगा, जब G4 होगा तो ये इतनी करेगा P4, सही बात है, नहीं है। मतलब क्या होगा कि सर अगर ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी मेरी फिक्स है, मान लो इंडिया में मैंने ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी फिक्स कर दी कि 50 Hz है, मैंने ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी फिक्स कर दी कि मुझे इतने पे ही ऑपरेट कराना है, कैसे भी करके आप अपने सिस्टम को मैनेज करो, मुझे इतने पे ऑपरेट कराना है, तो क्या होगा सर, जब अगर आपकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी फिक्स है, क्योंकि देखो जब आपके 10 जनरेटर कनेक्ट होंगे तो आप लोग ये चीज को देख चुके हो कि पैरेलल ऑपरेशन के लिए सबकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए, वो हम लोगों को मैनेज करते हैं। तो हम अपने हिसाब से कुछ भी चेंज करके ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी को सेम रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर अलग अलग ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी हुई तो आप लोगों को पता है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि सर्कुलेटिंग करंट का फ्लो होगा, जो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, आप लोग इस चीज को देख चुके हो, सही बात है। तो इस वजह से ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी हम सेम रखने की कोशिश करते हैं। अगर ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी सेम रही तो देखो इसका ड्रॉपिंग सबसे ज्यादा है, इसका और कम है, इसका और कम है, इसका और कम है, तो जिसकी ड्रॉपिंग सबसे कम होती है वो सबसे मैक्सिमम पावर को क्या करता है, डिलीवर करता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा आगे वाले टॉपिक को ले जाके, क्या होगा कि जब 2-3-4-5 जनरेटर कनेक्टेड होंगे तो कौन सा जनरेटर कितनी पावर को डिलीवर करेगा, ये डिपेंड करेगा कि उसकी ड्रॉपिंग करेक्टरिस्टिक कितनी है। जिसकी ड्रॉपिंग करेक्टरिस्टिक मिनिमम होगी वो आपके मैक्सिमम पावर को डेवलप करेगा। जैसे मैंने बोला कि 2 जनरेटर पैरेलल में कनेक्टेड है, एक की ड्रॉपिंग करेक्टरिस्टिक 3% है, दूसरे की 5% है, तो बताओ कि कौन कितनी पावर को शेयर करेगा। अब कितनी भी पावर को शेयर करो वो तो कैलकुलेट करके आप निकाल लोगे, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया ये लग चुका है कि जिसकी ड्रॉपिंग करेक्टरिस्टिक कम होगी वो ज्यादा पावर को शेयर करेगा। मान लो G1 की 3% है तो मतलब वो ज्यादा करेगा, G2 की 5% है तो मतलब वो कम करेगा, तो मतलब P1 की वैल्यू ज्यादा आनी है P2 से। तो ये पहले ही माइंड में क्लियर हो गया कि जब भी आंसर आएगा वो आंसर ऐसा कुछ आएगा कि P1 ज्यादा होगा P2 से। तो ये हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों को, क्लियर है, नहीं है। तो क्या रखोगे कि उस जनरेटर जिसकी आपकी ड्रॉपिंग करेक्टरिस्टिक मिनिमम होगी वो ज्यादा पावर को क्या करेगा, शेयर करेगा, क्लियर है, नहीं है। ओके, तो द जनरेटर दैट हैविंग मिनिमम ड्रॉपिंग करेक्टरिस्टिक विल शेयर द मैक्सिमम पावर टू द लोड, तो वो लोड को मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा, सही बात है, नहीं है। तो ये दोनों तीनों चीजें हैं, ये आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए
कि अगर बिहेवियर ऐसा होगा तो आपका ऐसा होगा, और ऐसा होगा तो सिस्टम आपका ऐसा चलेगा। तो ये दोनों तीनों चीज़ें आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अब जो होगा ये एक मैं पूरा आप लोगों के जो भी है कि किस तरीके से वर्क करता है, स्पीड में कैसे चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी में कैसे चेंज होता है, क्या कंडीशंस होती है, तो वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि एक पैरेलल ऑपरेशन जब चलता है तो दोनों जनरेटर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। ठीक है, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे हम कल। हम कल दो जनरेटर को लगाएंगे एक साथ और दोनों जनरेटर को ऑपरेट करा के देखेंगे कि किस तरीके से उनमें ड्रॉपिंग होता है वो, और वो किस तरीके से पावर को जो है वो क्या करते हैं कि शेयर करते हैं। तो उसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन भी लेके आएंगे, तो हम लोग ये समझेंगे कि जब हमें क्वेश्चन मिलेगा तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। आपके क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे जनरेटर G1 की ड्रॉपिंग दे दी, G2 की ड्रॉपिंग दे दी, बोल दिया दोनों के ऊपर मान लो इतना लोड लगा हुआ है, तो बताओ G1 कितनी पावर को शेयर करेगा, G2 कितनी पावर को शेयर करेगा। सही बात है, तो वो किस तरीके से हम लोग निकालते हैं तो वो समझ लेंगे हम लोग कल। क्लियर है? तो मैं कल आप लोगों को पहले इतना समझा दूंगा कि आप लोगों को क्वेश्चन बड़े आसान लगेंगे। ठीक है, तो हम पहले मतलब उसको समझ ही इतना लेंगे कि क्वेश्चन ऐसे लगेंगे हाँ कि फटाफट कि ऐसा है तो मतलब ये होगा, ऐसा है तो मतलब ये होगा, तो कोई कुछ भी चेंज करके देख ले, जितना इंक्लूडेशन हम पूरा लेके चलेंगे पहले ही। ठीक है, तो कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।